हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने जब इलेक्ट्रॉन एमिशन किया था तो उसके अंदर भी किया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। तो वही है ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें क्या है, वो फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है एक मेटल के सरफेस से, जब उस मेटल के सरफेस के ऊपर शूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाया जाता है। जब मेटल के सरफेस पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या बोला था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब सर्किट में फ्लो करते हैं तो एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स From the surface of a metal when radiations of suitable frequency fall on it। तो इस फिनोमेना के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ेंगे हम कि इसके अंदर क्या ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया हुआ होता है, यानी कि इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है। इस ग्लास ट्यूब के ऊपर यहाँ पे एक विंडो होती है ताकि जो लाइट है यहाँ से एंटर कर सके। इसको हम बोलते हैं विंडो W। ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो प्लेट्स होती हैं। यहाँ पर प्लेट सी जिसको कलेक्टर बोला जाता है, और यहाँ पर भी एक मेटल प्लेट है जिसको प्लेट ए बोला है। जो सी प्लेट है कलेक्टर नहीं, इसको बोलेंगे हम एमिटर, ठीक है। मेटल इस सी सिर्फ हमने इसको नाम दिया हुआ है, सी से कलेक्टर नहीं है। जो ये मेटल प्लेट है ये एमिटर है, यानी कि लाइट जब इसके ऊपर फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं। C means cathode and A means anode। यहाँ पे जो माइक्रोमीटर है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए लगाया है। A voltmeter is connected here to measure potential difference key K and battery B। This is the apparatus for study of photoelectric effect।
ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब एक इवैक्यूएटेड है मीन्स, ठीक है, इसके अंदर वैक्यूम है, विंडो डब्ल्यू से लाइट एंटर करती है, ये सी कैथोड है यानी कि एमिटर प्लेट है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, और जो ये एनोड है ये कलेक्टर प्लेट है, जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पे कलेक्ट होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो सर्किट के अंदर फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर वी से मेजर कर सकते हैं। एनोड जो है इसका हम पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब जो ये विंडो डब्ल्यू है, विंडो डब्ल्यू के ऊपर एक क्वार्ट्ज का फिल्टर लगा हुआ होता है। फिल्टर किस लिए लगाया है यहाँ पे, ताकि जो लाइट एंटर करती है वो उसकी वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है सिलेक्ट हो जाए, और जब वो एंटर करे तो उसी फ्रीक्वेंसी पे मेटल प्लेट के ऊपर फॉल करती है। जो लाइट है, लाइट यहाँ कैसे एंटर करती है, लाइट एक सोर्स से एंटर करती है जिसको हम यहाँ पे एस नाम देते हैं। इसके बाद ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग समझते हैं, कि जब सोर्स एस से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट थ्रू दिस विंडो एंटर करेगी और इस मेटल प्लेट के ऊपर फॉल करेगी, तो क्या होगा, इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन किस एनर्जी पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, यानी कि तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनोड की तरफ मूव करेंगे। ये जो एनोड है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखी हुई है हमने इस बैटरी के थ्रू, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे टूवर्ड्स द एनोड ए। एक्सेलरेट होके किसकी तरफ आएंगे, एनोड ए की तरफ। यही इलेक्ट्रॉन्स जब सर्किट के अंदर फ्लो करेंगे थ्रू दीज वायर्स, तो एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं थ्रू दिस माइक्रो एमिटर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब हमने लाइट फोल्ड करवाई मेटल के प्लेट के ऊपर, तो हमें क्या मिला, एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिला। तो यही वर्किंग आपने लिखनी है। इस एनोड के पोटेंशियल को हम चेंज भी कर सकते हैं थ्रू दिस पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। तो अगर हम इस एनोड के पोटेंशियल को जीरो पे रखते, ये जीरो पोटेंशियल हो जाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसकी तरफ मूव नहीं करेंगे और बीच में ही स्टक हो जाएंगे। तो ऐसे जो रीजन क्रिएट होगा इसके बीच में, सी और ए के बीच में, इस रीजन को हम स्पेस चार्ज भी बोलते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन को यहाँ से रीड कर सकते हैं। द अपरेटस कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब विच एनक्लोजेस ए फोटो सेंसिटिव प्लेट सी, जो डायग्राम में अभी दिखाई थी उसको हम एमिटर बोलते हैं, और जो सेकेंड प्लेट है वो मेटल प्लेट कॉल्ड कलेक्टर। W is transparent window which can be covered with a filter for the light of particular radiation. जो विंडो को हमने कवर कर रखा है ताकि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट आए। वोल्टमीटर V measures potential difference between plate A and C. माइक्रो एमीटर मेजर्स द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो वही वर्किंग है जो अभी बताई थी। वर्किंग व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फ्रॉम सोर्स S through window W fall on photosensitive plate C, photo electrons emitted from C. photo electrons निकलेंगे कहाँ से, प्लेट C से, which get accelerated toward plate A when it is at positive potential. electrons कब जाएंगे प्लेट A की तरफ, जब वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगी। these electrons flow in outer circuit resulting in photoelectric current. तो ये था photo electric effect. अब इसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ्स की स्टडी करेंगे जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में है।